हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो चलिए रेसिपी कर लेते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें मेरी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 आलू। ये बॉयल आलू है, आपको इस तरह से फॉर्क की सहायता से इसे मैश कर लेना है। आपको बारीक बारीक मैश कर लेना है, बिल्कुल भी लम्स इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह से सारे बारीक आलू आपको कर लेने हैं। तो चलिए सारे आलू मैं अच्छे से कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सारे आलू को मैंने इसी तरह से बारीक बारीक कर लिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन को गरम कर लिया है, इसके अंदर ऐड करना है आपको 2 से 3 चम्मच ऑयल, ज़्यादा ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे आपको लेना है 1/2 छोटे चम्मच से कम, यह है जीरा, आपको इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही में आपको लेना है 1/2 छोटे चम्मच से कम, यह है सौंफ। और साथ ही में आपको 2 से 3 हरी मिर्च ले लेनी है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा आपको इसे ब्लैक नहीं करना है। और जो आपने आलू को मैश करके रखा हुआ था, वो आपको सारे आलू इसमें ऐड कर देने हैं, और ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हमें इसे मिक्स करना है, इसे दबाते हुए मिक्स करना है, ताकि जो भी इसमें लम्स होंगी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। और जैसे आपके ये आलू चिपकने लग जाएं, तो आप इसे फॉर्क की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से सारे आलू आपको मिक्स कर लेने हैं। तो ये देखिए, सारे आलू मैंने मिक्स करके रेडी कर लिए हैं। अब आपको इसमें ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप इसमें ऐड कर लीजिए। और साथ ही में आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच जीरा पाउडर, यह है भुना हुआ जीरा का पाउडर। और साथ ही में आपको इसमें ऐड करना है हरा धनिया, जो कि आपको इसमें फ्रेश ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू इसमें आएगी। और सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। एक बार आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे बिल्कुल मीडियम या स्लो रखना है, बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। आलू हमारे पहले से बॉईल हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 2 से 3 मिनट मेरे अच्छे से हो चुके हैं। तो ये आलू का मसाला हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। तो आपको गैस का फ्लेम कर देना है ऑफ़, और इसको ठंडा करने के लिए साइड में आपको रख देना है। तो चलिए मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस कटोरी में इस आलू को निकाला हुआ है। ये देखिए, आपके ये आलू इस तरह से दिखते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और चटपटे आलू बनते हैं, ये देखिए। तो सारे आलू को ठंडा मैंने कर लिया है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड, और इसके ऊपर रखा है मैंने एक ब्रेड, आपको एक ब्रेड ले लेना है। और इसके जो कोने हैं ना, आपको कट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको इसके ऊपर जो हमने आलू का मसाला बना के रेडी किया हुआ था, आपको इस तरह से आपको इस ब्रेड के ऊपर मसाले को अच्छे से फैला लेना है। तो ये देखिए, हमने ब्रेड के ऊपर आलू का मसाला अच्छे से लगा दिया है, ये देखिए। और आपको इसे कट कर लेना है, एक ब्रेड के आपको 4 पीस इस तरह से कट के काट के रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए, सारे आपको ब्रेड जितने आप बनाना चाहते हैं सारे आपको इस तरह से कट करके साइड में रख लेने हैं। उसके बाद हम आगे क्या प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक लेना है बाउल, मिक्सिंग बाउल, और साथ ही में आपको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच, ये है मैदा। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, और आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, और इसका हमें एक स्लरी सी तैयार कर लेनी है। तो आपको पानी हल्का हल्का ऐड करना है, एक ही बार में सारा आपको नहीं ऐड करना है, और इसकी एक पतली सी स्लरी रेडी कर लीजिए।
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का आपको इसे रखना है। ज़्यादा आपको गाढ़ा नहीं करना है, इसे पतला सा ही रखना है। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ऐसे बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये अच्छे से मेरा स्लरी बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसके अंदर। अगर आपको लगता है इसमें लम्स है तो आप इसे जिसमें चाय की छन्नी होती है आपको उससे से इसे छान लेना है, अच्छी तरह से ये छन जाएगा। तो आपको इसे साइड में रख देना है। अब यहाँ पर लिया है मैंने, यह है दो ब्रेड। दो ब्रेड को मैंने मिक्सी जार में इस तरह से पीस लिया था। आपका इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। ये मिक्सी जार में मैंने पीस लिया था। अब इसको हम साइड में रख देंगे, इस स्लरी को भी साइड में रख देंगे। आपको जो हमने काट के रखा हुआ था पीसेस ब्रेड के और आलू के, आपको क्या करना है इसमें डिप कर देना है, इस मैदे की स्लरी में ऐड इसे डिप कर लीजिए। और डिप करके इसे हम इसे जो ब्रेड के हम क्रम्स बना के रखे हुए हैं ना, वो आपको इसके अंदर कोट कर लेने हैं। तो सारे आपको इसी तरह से बना के रेडी इसे कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से कोट हो जाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये बिल्कुल हमारा कोट हो चुका है। ये देखिए इसी तरह से आपको सारे बना के रेडी कर लेने हैं। चलिए मैं सारे रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे सारे हमने बना के जितने हमें चाहिए थे हमने इसे रेडी कर लिया है। ये दो ब्रेड के आपके 8 पीस बन के रेडी हो जाएंगे। तो ऑयल हमने अच्छे से गर्म किया हुआ था। आपको क्या करना है, इसे फ्राई नहीं करना है, इसे हमने सैलो फ्राई करना है। तो ऑयल मेरे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो आपको इसे सैलो फ्राई करना है, वरना आपके ये फट भी सकते हैं और खुल भी सकते हैं। तो इसलिए आपको इसे सैलो फ्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक तरफ से जाते ये पक जाएगा, वैसे ही आपको इस फॉक की सहायता से इसे पलट लेना है और इसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हमें कर लेना है। और करके हम इसे रेडी कर लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना आपको इसे पकाना है। ज़्यादा ब्लैक हम नहीं करेंगे और इसे हम मीडियम गैस पे सेकेंगे, ना ही ज़्यादा हाई करेंगे ना ही ज़्यादा स्लो करेंगे। और इस तरह से आपको सारे स्नैक्स बना के रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हमारे स्नैक्स हो चुके हैं। तो आपको इस तरह से छन्नी में सारे स्नैक्स को ऑयल से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे क्रिस्पी स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें मेरी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊँगी ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी है, अच्छी तरह से बनाए। तो वीडियो को फुली वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।